हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो मैं आज चिकन टिक्का जो है ना बनाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसकी रेसिपी बता दूँ कि चिकन टिक्का को जो है ना मसाला मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं सिर्फ आज आपको मसाला लगाने की रेसिपी बताऊँगी, तो इंशाल्लाह फिर जब दोबारा मैं आपको रेसिपी डालूंगी तो मैं आपको पूरा तैयार करके बताऊंगी। तो आज सिर्फ रेसिपी की बारी है, तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जी। ये मेरा दही है 10 ग्राम, इसके अंदर हरी मिर्चें जो है ना, ये 5 हरी मिर्चें जो है ना मैंने पीस के तो जो है ना इसमें डाली हैं। और इसके बाद 2 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, फुल जो खाने वाला चम्मच होता है, ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जी 1 लीमू का रस है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी जो है ना दही डाला है, इसलिए इतना लीमू का वो नहीं रहता इसमें। तो उसके बाद जी ये है जी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच जी। ये है अजवाइन, और ये हम डालेंगे जी छोटा जो है ना मेरा जो चम्मच है जो मिर्चों वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ वो, ये देखिए, क्योंकि इसका जायका थोड़ा तेज़ होता है तो जो है ना ये ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। ये है कुटा और भुना जो है ना धनिया और खुश्क धनिया और ज़ीरा, तो ये जी मैंने डाला है 1/2 चाय वाला चम्मच। तो आप भी अपने टेस्ट और पसंद के मुताबिक जितना पसंद करें आप उतना डाल दीजिएगा। अब इसमें जाना जी काला नमक 1/2 टीस्पून। अब और इसमें जी जाएगी लाल मिर्चें 2 जो है ना टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों के डालेंगे। 1.5 किलो जो है ना मेरे पास साफ़ी चिकन है, और उसमें जी ये जाएंगे जो ये मेरा चम्मच बहुत छोटा है व्यूअर्स, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इसलिए ये इसमें 3 चम्मच जाएंगे। और अब इसमें जाएगा जी नमक के 2 चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है आप वैसा ही डाल लें। कुछ लोग ज़रा तेज़ पसंद करते हैं, कुछ हल्का पसंद करते हैं। अब इसमें जाएगी काली मिर्चें 2 चम्मच। तो हर चीज़ का एक अपना जो है ना जायका होता है, और अपना जो है ना उसका एक फ्लेवर आता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको काली मिर्चें किसी को नहीं भी पसंद होती तो आप मत डालिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप डाल ही लें तो बेहतर है। तो अब इसमें जाएगा जी 1 चम्मच चाट मसाले का, तो ये अब जाएगा 1 टीस्पून जो है ना ये डालिए चाट मसाला। तो अब इसमें गरम मसाले का 1/2 टीस्पून जाएगा, ये जी गरम मसाला हो गया, ये पूरा गरम मसाला है मेरे पास। इसमें काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा, ये मैंने पीस के रखा हुआ था। तो अदरक लहसुन का पीस आपके सामने इसमें डाल दिया, मैं इसको करूँगी मिक्स, और इसको जो है ना पूरा दिन जो है ना इसको रेस्ट दूँगी या पूरी रात, फिर अगले दिन जो है ना इसमें तैयार करूँगी। और अभी इसके अंदर जो है ना 2 इंग्रेडिएंट मैंने और डालने हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बस तो अब इसमें सोया सॉस के जो है ना ये 2 जो है ना डाल रहे हैं हम टेबल स्पून। तो उसके बाद इसमें चिली सॉस का भी जो है ना जाएगा जी। ये देखिए ये सोया सॉस चला गया 1 चम्मच, क्योंकि इसमें दही डाला हुआ है मैंने और थोड़ा सा लीमू भी ऐड किया है, तो ये सोया सॉस और चिली सॉस के साथ इसका बहुत अच्छा जो है ना बड़ा जायकेदार इसका जो है ना वो निकलता है चिकन का अंदर से अपना फ्लेवर। तो आप ये बना के देखिएगा और खा के देखिएगा, फिर आपको देखिएगा बताइएगा क्या मज़ा आएगी जी। ये चिली सॉस जो है ना ये हमने 1 चम्मच बस डाल दिया इसमें, और अब मैंने इसको करना है मिक्स, और फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ जी व्यूवर्स। ये जो है ना मैंने इसमें ये मिक्स कर लिया है नमक और सारा मसाला, तो ये देखिए ये अच्छी तरह से जो है ना इसमें मैंने जो है ना मिक्स किया है। ये नज़दीक से भी आप देख रहे हैं कि इसकी एक बोटी के ऊपर मसाला लग चुका है। तो अब मैं इसको जो है ना कम अज़ कम भी इसको जो है ना 3 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है, लेकिन अगर आप इसको सारी रात रखेंगे तो फिर ये बहुत ही जो है ना मज़े का और ख़स्ता बनेगा। दही डालने से ये होता है कि ये आप स्टीम भी करें या इसको आप कोयलों पे बनाएं, जैसे भी बनाएं, ये जल्दी गल जाता है और ये सॉफ्ट रहता है बिल्कुल ना। तो व्यूअर ये था मेरा आज का सिर्फ मसाला लगाने का रेसिपी। इंशाल्लाह आप सर्दियाँ जैसे ही आएंगी मैं आपको मछली पे मसाला लगाना सिखाऊंगी,
और लेग पीस भी, बहुत सी चीज़ों पे मैं आपको जो है ना ये वाली रेसिपीज दूंगी। और आप प्लीज़ आपने इसको लाइक करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है, और आइंदा मेरी आने वाली जो है ना वीडियोस उसमें आपने कमेंट्स भी देने हैं, तो आपके कमेंट्स से ही मेरा चैनल चलना है। तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। तो साथ ही कल नई डिश के लिए, तो अब कल मिलेंगे एक नई डिश के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।